Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤੁਮ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮੀ ਕੋ ਬਹਿਕਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਵੇਚੇ ਤੁਮੇ ਤੋ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਫੈਸਲ ਅੰਦਾਨੀ पैसे लेके भाग गया है। नहीं नहीं, आपको आज जब भी टाइम मिले आप पैसे आकर जरूर ले जाइएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू, खुदा। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए अंदर। मैं? जी जी, आ जाइए। मैं करता हूँ। वो मैं माजरत चाहता हूँ, आने में जरा देर हो गई मुझे। दरअसल वो हाँ, वो दुकान पे इतना रश था आज, मैं क्या बताऊँ। आप उसी वक्त अम्मी से पैसे ले लेते ना, अभी आपको जहमत नहीं होती आने की। हाँ, लेकिन वो जल्दी में था इसलिए। जी, ये लीजिए। लेकिन मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि कितने पैसे। हर चीज पर प्राइस टैग लगा हुआ था, टोटल निकाल कर मैंने आपको पैसे दिए। हाँ। वो सॉरी, आपका वक्त इतना कीमती है, बर्बाद कर दिया मैंने। नहीं नहीं, वक्त तो हमने आपका बर्बाद किया। पहले आप सामान देने आए, अब आप पैसे लेने आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो फर्ज है ना मेरा। नहीं, आपका फर्ज नहीं है। ऐसा तो आपको लगता है ना, मेरे लिए तो रात हो गई है ना काफी, है ना। मैं चलता हूँ फिर। जैद सुने। जी जी, वो अपने घर वालों से कह दीजिएगा कि आइंदा इस इरादे से घर पर ना आए। आप और मैं एक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब मेरा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, सही कह रही हैं। मैंने कहा आपको, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कहने का। हजार बार मैंने मना किया अंबर को कि अंबर मत करो ऐसी बात। मतलब कहां आप, कहां मैं, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है ना। शायद आप गलत समझ रहे हैं, मैं खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रही, ना अहमियत दे रही हूँ। आप खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। मैं तो वो लड़की हूँ जिसका शौहर उसे भरे पंडाल में ठुकरा कर चला गया था। ट्रस्ट मी, सीरियसली, आप में कोई कमी नहीं है। मैं फिलहाल बस शादी नहीं करना चाहती, दैट्स इट। अरे कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 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 नहीं चाहती तो जबरदस्ती थोड़ी ना है, कोई मसले की बात नहीं है। ये आपकी ख्वाहिश है और आपकी ख्वाहिश का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। मतलब जबरदस्ती थोड़ी ना है, आप नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़ ज़ैद। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ैद। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सोचिएगा मत, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़। कहा किनू दर्द सुनावा मैं।
मर मर जावा लगिया नु दिल ही जाने 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 लगिया नु दिल ही खड़ी तो वही रह गई सर पकड़ के बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। जाके मशवरा करो किसी से कि अब करना क्या है। किससे मशवरा करो? अपने अब्बा से, जैद से, घर में से किसी से भी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उनको इसे बता दिया ना तो मौका मिल जाएगा उनसे कोई बातें बनाने का। तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात? अरे अच्छी बात है ये। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी वजह से हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। उनकी गलती क्या है? उनकी क्या गलती है? ना वो हमें घर से निकालते, ना ये सब कुछ होता। अरे अपने तो अपनों का साथ देते, मुश्किल वक्त में छोड़ नहीं देते जैसे तुम्हें छोड़ दिया। ये मेरा अपना फैसला। अरे ना उस घर से निकलते, ना बिजनेस का सोचते, और ना मेरा सारा जेवर जाता। मेरे बाबा अपना हिस्सा देंगे ना, सारा जेवर तुम्हें फिर बनवा के दूंगा। बस खा के नहीं बैठ गया मैं, रिलैक्स। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पिलाओ जैद को फोन, पूछो उससे कि अब क्या करना है। लो मशवरा उससे। काके से खुद ही इतना कम अकल है? जिंदगी में उसने देखा क्या है? घर से दुकान तक तो उसकी जिंदगी। कम अकल नहीं है वो, तुमसे ज्यादा चालाक है वो। तभी आज करोड़ों की दुकान पे और घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और हाँ, उसे कह देना कि उस घर पे और दुकान पे बराबरी का हिस्सा है तुम्हारा। मेरी शक्ल घूरने की जरूरत नहीं है, फोन में लाओ। गलत सोच रहे हो तुम जैद, मुझे कोई घमंड नहीं है खुद पर कि मैं बहुत पढ़ी लिखी और काबिल लड़की हूं। बस मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझती, और ना मैं उस घर में जाना चाहती हूं जहां से मुझे ठुकरा दिया गया था। यारे क्या किया है तूने अरसन? अब ना किसी से मशवरा किया, ना किसी को बताया, जिक्र तक नहीं किया, और इतना बड़ा फैसला तूने खुद कर लिया। किससे मशवरा करते? रह गया इस दुनिया में। पापा ने हाथ पकड़ के घर से निकाला, सारा ताल्लुक ही तोड़ दिया। कोई 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 पूछने वाला नहीं, कोई कोई हाल भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा कि मैं जी रहा हूं, मर रहा हूं, कि कैसा है वो। नहीं क्या क्या ये सही लग रहा है तुझे? मुझे भाई कहता है ये तरीका होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं। तू हमारा खून है यार, ये सब कुछ वक्ती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमने तुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ा यार, बाबा ने तो मुझसे दुश्मनी कर ली। मेरा नाम तो नहीं सुनना चाहता,
देख अब तू गलत बात कर रहा है अरसल। यार तू बाबा के मिजाज को जानता है, वो अपने मिजाज की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक बाप अपने बेटे को भूल चुका है, नहीं भूले वो तुझे। काकी छोड़ ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाबा का मिजाज नहीं जानता, अच्छी तरह पता मुझे ये सब। छोड़ी सेंटी बातें। अच्छा चल मेरे भाई, छोड़ दिया, तेरे कहने पे छोड़ दिया। तू हुकुम कर भाई, बता क्या करना है, हुकुम कर। तू फैसल रमदानी को ढूंढोगे मेरे से? मदद करोगे? मैं यार इसे क्या पता कि फैसल हमदानी कौन है? सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? इसकी दुनिया दुकान की हद तक महदूद है, इसे बताओ। सुनो, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, घर और दुकान में से, बस। अच्छा सही है, करो बाबा से बात करो, ले लो अपना हिस्सा। मैं तो करना चाहता हूँ, बस बाबा तैयार नहीं होते ना, इसलिए तुझे बुलाया। क्या फायदा तेरा? नहीं नहीं यार, मैं कौन हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, खुद बात करो तुम। क्या मतलब है, कुछ भी नहीं कर सकते? हर चीज पे तो तुमने कब्जा किया हुआ है, उनके मरने के बाद यही तुम। बात संभाल के बात करो। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी मेरे पापा को कुछ हो, अल्लाह ताला मेरी उम्र भी मेरे पापा को लगा दे। क्यों? मरना तो सबको है ना। तुम्हें नहीं मरना, कयामत तक जिंदा रहना, तुमने इससे नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। बात तो घुमाओ मत। क्या बात कर रही है ये? बस तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे सर पे बहुत बड़ा कर्जा है, मैंने इसको उतारना है, बस मेरे पास और कोई चारा नहीं। बाबा से कहो कि अपने ना ताल्लुकी और बेरुखी का ड्रामा बस कर दे, मेरी थोड़ी मदद कर दी। तुझे शर्म नहीं आती? तू इतना बेशर्म हो गया है, इतना बात सुन आज मेरी सुन, तू घटिया है, बेशर्म है तू। तू अपने तू मेरे बाबा के बारे में ऐसी बात कर रहा है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर तेरे बाबा ने मेरे साथ क्या किया है, बोल? तेरे बाबा है ना, मेरे साथ अच्छा किया उन्होंने, बता। तेरे साथ बात करना ही फजूल है, तू फजूल है। जाओ यहां से, बाबा से कह देना अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, आज शाम को आ रहा हूं उनसे बात करने। हाँ आ जा तू। चल अच्छा है ना, तेरा लालच ही बहाना सही, इसी बहाने घर तो आएगा जो माँ सारा दिन घर के हर कोने में अपने सबसे बड़े बेटे, सबसे लाडले बेटे को ढूंढती रहती है ना, उसे तुझे कुछ लम्हे देखने का बहाना मिल जाएगा। तू आ सर, आंखों पे अपना हिस्सा लेने आ, मेरी माँ थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगी। तू आ, तू बड़ा आदमी है भाई। हाँ ठीक है, सेंटी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाऊंगा मैं, अपनी चीजें नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा हक है। चलने की तैयारी करो, तुम मेरे मरने तक इंतजार नहीं कर सकते। नहीं प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना स्टार्ट कर दें मुझ पे। मैं तुमसे जज्बाती बातें करके तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तुमसे दरखास्त कर रही हूं कि ईशा की शादी हो जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो फिर ये सब कुछ तुम ही लोगों का है। नहीं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैं क्या करूं अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते? तो आप सब कुछ
अंबर और जैद में नहीं बांट सकते। कुछ नहीं कर रहा ऐसा मैं। और एक बात सुन लो मेरी, मैं मजाज हूँ इस बात का कि अपनी सारी जायदाद किसी भी एक औलाद को दे दूं, समझे तुम? मैं जानता था बाबा कि जरूर आप ऐसा कुछ ज्यादती करेंगे, लेकिन ये भी सुन लीजिए, इतनी आसानी से आपके फैसले के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा। तो जाओ केस कर दो मेरे खिलाफ, जाओ, मैं मुंतजर रहूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा बाबा, मैं नहीं चाहता दुनिया हमारा मजाक उड़ाए, हंसे हम पे। अच्छा, बड़ा ख्याल आ गया तुम्हें दुनिया का। अगर नहीं होता ना बाबा तो इतने अरसे खामोश ना बैठा रहता। खामोश? देखिए, मैं आज तक जो चुप रहा और किसी से कुछ नहीं कहा, उसकी वजह यह थी कि मैं चाहता था कि घर की बात घर में ही रह जाए, बाहर लोगों में बात ना जाए, वरना बातें ही करते हैं लोग। लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, मेरा बर्दाश्त खत्म हो चुका है। कब तक मैं अपने ससुराल में पड़ा रहूंगा? इस घर को बेचे खुदा का वास्ता है ताकि मैं अपना घर ले सकूं, अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। भाई, इतना बड़ा घर है ये, हाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? कोई तकलीफ नहीं होगी आपको यहाँ पर। माफ करना बीबी, मैं तो दोबारा जहन्नुम में भूल के भी वापस ना आऊं। क्या कहा, जहन्नुम? अरे यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ थी जो तुम ऐसे कह रही हो? जी, हर वक्त के ताने तिशने, काम काम बार, रोक टोक, और कैसी होती है जहन्नुम, कैसी होती है जहन्नुम बताइए मुझे। बीबी, तुमने अभी ससुरालें देखी नहीं है, सास और नंदे जीना दो भर कर देती हैं और तुम मजे से यहां रह रही थी, ऐसी क्या बात हुई? अच्छा अच्छा, बस बस बस, कि किस बहस में पड़ गए आप लोग? देखिए, जो बात करने आए हैं वो बात कीजिए और फैसला करें। ठीक है, तो फिर सुन लो मेरा फैसला। ईशा की शादी से पहले मैं इस घर को नहीं बेचूंगी, सुना तुमने? तो आप ही घर नहीं बेचेंगे? हरगिज़ नहीं। रोज़े कयामत के हिसाब से डरते नहीं हैं आप? मुझे रोज़े कयामत का बता रहे हो तुम? हाँ, मुझे अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि किस किस का हिसाब दे रहे हैं तुम्हें? छोड़े से क्या करें आप? खुदा के वास्ते, कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले सोच लीजिएगा। बेटा है आपका, सगी औलाद है आपकी। सगी औलाद है तो इससे कहो अपना बोरी बिस्तरे उठाए और दफा हो जाए यहां से। तुझे शर्म नहीं आती अरसल? अल्लाह नाराज हो जाएगा तुझसे। तुझे अंदाजा नहीं इस बात का कि माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना भी गुनाह है। क्या कर रहा है यार तू? अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैंने मुंह लगे ना मुंह तोड़ दूंगा शायद तुम्हारा, कसम से। अब चलोगे? तुम खड़ी रहोगे? मुझे भी कोई शौक नहीं है लोगों के दरमियान रहने का। और एक बात मेरी भी सुन लीजिए बाबा, अपना हक मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, अपना हिस्सा मैं अच्छी तरह निकलवाना जानता हूं। यहां से निकल। बस 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 करें। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चे को? आज कुछ नहीं हुआ है, वो हमेशा से ही ऐसे थे, सिर्फ आपको नजर नहीं आता था। अम्मी बस करो, तुम हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। अम्मी खाना खा ले। अरे बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों क्यों भूख नहीं है आपको? पता नहीं दिन में भी आप सही से खाना खाती हैं या नहीं। खाया था मैंने दिन में। खाया था तो फिर अभी क्यों नहीं खा रही आप? ये ले थोड़ा सा खा ले। अम्मी, भाई की बात को दिल से लगाए बैठी है ना आप? मैं सोचती हूँ बेटा, तुम ना होती तो मैं कहाँ जाती? हम दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है अम्मी, पर आप देखिएगा
सोनिया और भाई को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं बेटा, खुद गर्ज लोग कभी अपने को गलत नहीं समझते। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम अपने घर की हो जाओ तो मैं सुकून से हो जाऊं। कैसे निकालना चाहती है अपनी बेटी को? हाँ मेरी जान, बेटियां जब तक अपने घर के नहीं हो जाती, माँ बाप को सुकून नहीं मिलता। बाप तो तुम्हारे रहे नहीं, उनके हिस्से की फिक्र भी मुझे ही करनी पड़ रही है। छोड़े ना इन बातों को अम्मी, चले आप पहले खाना खाएं, बाद में हम सारी बातें करेंगे। तो फैसल अंबानी तनी कहां गायब हो गया? तनी आजकल ये टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह कोई कैसे गायब हो सकता है? तो तुम्हें क्या लगता है अब तक वो यहीं घूम रहा होगा? अरे कितनों के साथ चीटिंग करके भागा होगा। मेरे हाथ लग जाए ना वो तोड़ दूंगा उसको। उसके बारे में बाद में सोचना, घर के खर्चे के बारे में सोचो। एक रुपया तक नहीं है मेरे पास। तुम्हें घर के खर्चे की पड़ी हुई है क्या? मेरी जान को आई, पागल हुआ हुआ मैं? अरे पैसे देने का वक्त आ गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये पागल तुम्हें मैंने किया है? मैंने कहा था कि उसको पैसे देकर आ, सूद के चक्कर में सारे पैसे डुबो दिए तुमने। तो अपने लिए थोड़ी लिए थे मैंने, बिजनेस करने के लिए थे ना। कहा था कि वो हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट करेगा और हजारों के लाखों बन जाएंगे दिनों में। हाँ। कभी सुना है? सुना है कभी दिनों में हजारों के लाखों बनते हुए? मैंने तुम्हें कहा ना कि उससे कहा था हमारे पैसे लेकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा और हजारों के लाखों बन जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वो भाग जाएगा और बगैर किसी सबूत, बगैर किसी कागजात के सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। मैं अनपढ़ लग रहा हूँ तुमको, जाहिल लग रहा हूँ? जाहिर सी बात है कागजात है मेरे पास, लेकिन ऐसे कागजात का क्या फायदा? भाग गए वो, अब मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? तक मुंह छुपाए फिरोगे, ढूंढ के लाओ उसे। तुम्हारा मतलब है मैंने फंसाया तुम्हें इसमें? थोड़ा नहीं दुखे, वो कोई मेरे मामा चाचा का बेटा नहीं है। हम साथ में बिजनेस करते हैं, अगर उसकी नीयत बदल गई तो मेरा क्या कसूर है? तेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं तो डूब गया ना, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। एक तो जेवर गए तो गए, लेकिन जितनी मैंने रकम सूद पे ली हुई है उधार, क्या करूंगा उसका मैं, कैसे लौटाऊंगा? तो तुझे कौन कह रहा कि सारी रकम दे, किस्तों में अदा कर दे? किस्तें बहुत आसान है ना, तू बता पहले किस कहां से लाऊंगा बता। तुम्हारे अब्बा इतने अमीर है, उनसे जाकर लो, तुम्हारी इतनी बड़ी लविश दुकान है, उनसे जाकर मांगो। बाबा मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, पैसा मांगना तो दूर की बात। तो बना के रखते ना उनके साथ, क्यों बिगाड़ी थी तुमने? लेक्चर खत्म हो गया हो तो बता कि आगे करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मानो तो घर वापस चले जाओ। घर वापस चले जाओ? तो क्या कह रहे हैं? तू जानता है मैं क्या कह के छोड़ के आया हूं? तू जितना दूर रहेगा वो तुझसे खफा रहेंगे। एक दफा घर चला जाएगा तेरे काफी मामला हल हो जाएंगे और तू इन खर्चों से भी बच जाएगा। वापिस जाने को चला भी जाता और रखने को तैयार हो तब ना। मना लो उनको, पैर पकड़ लो। और वैसे भी मैं वो बिल्डिंग खाली करवा रहा हूँ जहाँ तुम रह रहे हो। तो क्या करूँ मैं? हमदानी ने मेरा इतना नुकसान कर दिया, करोड़ों का नुकसान हो गया। बाबा ने मुझे घर से निकाल दें, मुझसे बहुत खफा है। उन्होंने कहा मैं ये बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ और तुम्हारा कर्ज उतार रहा हूँ। जीप, हम जाएंगे कहाँ? अरसल मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। आई एम सॉरी।
हेलो, जूनिया बात कर रही। पहचानती हूँ तुम्हारा नंबर। अच्छा, मुझे लगा कि नंबर भूल गई होगी या डिलीट कर चुकी होगी। कहो, कैसे फोन किया? पैसे चाहिए। कितने? 25,000। ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। लोगी कैसे? तुम्हें खुद पहुंचाने होंगे, क्योंकि अरसल तो तुम्हारे पास आएगा नहीं और मैं भी नहीं आ सकती। ठीक है, अपने घर का एड्रेस भिजवा दो मुझे, मैं पहुंचवा दूंगी तुम्हें। और ये बिल्कुल मत समझना कि तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो। बाबा के इतने बड़े घर में रह रही हो, आखिर हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना। हाँ, बिल्कुल हक बनता है। अगर उस घर को बेचा जाता तो तीनों को बराबरी का हिस्सा मिलता, और अगर बेचना भी नहीं था तो किराए पे ही चढ़ा देती। कम से कम तीनों को पैसे तो मिलते कुछ ना कुछ। मुफ्त में रह रही हो इतने बड़े घर में। याद रखना कि मैं भी उस घर की बेटी हूं, हिस्सा मेरा भी है जितना तुम्हारा है। तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे पहुंच जाएंगे तुम तक। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि अरसल घर पे मौजूद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और उसका आमना सामना। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगी? नहीं, उम्मीद तो थी कि तुम आओगी। चलो शुक्र है, कम से कम तुम मुझसे तो बदगुमान नहीं हो। सोच रही होगी कि मैं इसी बहाने कहीं घर ना हो। वैसे घूरने वाली कौन सी बात है? गलत कह रही हूं क्या? तुम गलत कहती ही कब? बैंक से पैसे निकलवाने गई थी, देर हो गई। बैंक? लाखों पैसे सेफ होंगे ना तुम्हारे पास? नहीं, कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पैसे देने की क्या जरूरत है? आसपास लोग अच्छे नहीं रहते, पता नहीं क्या सोचें। अंदर आओ। ₹25,000। 25 कहे थे तो 25 ही लाई हो। तुमने जितने पैसे बोले थे उतने ही लाई हो। ज्यादा कहती तो वो भी ले आती। कहने की जरूरत थी? इंसान खुद ही सोच लेता है। जोनिया, ये दरवाजा क्यों खुला है? कब सोचोगी तुम? इस तरह नहीं। खुदाफिस। क्यों आई थी?
हाथ में नोट नजर नहीं आ रहे? पैसे देने के लिए आई थी। क्यों आई थी? तुमने से एहसान क्यों लिया? एहसान? अरे मेरे बाप के घर में रह रही है, वो भी फ्री में। समझ लो कि ये उसका किराया है। क्या अब ज्यादा नाक मुंह चढ़ाने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत थी इनकी, कुछ नहीं बचा घर में। ठीक है, साथ झंझट मत फैला रहा है यहाँ पर, मजे निकलना है हमें यहाँ से कुछ ही दिन में। कुछ ही दिनों में मतलब? जिशान के अब्बा ने ये जगह बेच दी, कोई बिल्डिंग ही बेच दी, जिशान को बड़ा नुकसान है। क्यों? अब हम रहेंगे कहाँ? रिलैक्स, तुम्हें सड़क पे नहीं आने दूंगा मैं। कौन? मैं अकरम। जब्बार भाई ने कहा पैसे देने का वादा किया था, पैसे दो। किस्त देने का वादा किया था, किस्त दे दो। किस्त क्यों नहीं दे रहे अभी तक? अगर किस्त आपने नहीं थी तो अच्छा नहीं होगा, जान से हाथ धो बैठोगे। किस्त देनी है अभी तुम्हें, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, पैसे दे दो। पैसे वापस दो मेरे। क्या मतलब? अगर तुम चाहती हो कि बाहर हंगामा हो ना, चुप बैठो। हाँ, लेकिन लेकिन ये है कौन आदमी? ये वही आदमी जिससे हमने सूद लिया था, पहली किस्त देनी है उसको। जी आ रहा हूं। पूरा महीना पड़ा है, क्या खाएंगे क्या करेंगे, कुछ कुछ पता है तुम्हें? कुछ ख्याल है? रिलैक्स, क्या हो गया तुमको? यहां रहते थोड़ी तुम ऐसी बातें कर रही हो, यहाँ रहते होते तो फिर फिक्र करती ना। बाकी के जितने दिन बचे हैं वो कैसे गुजरेंगे? ना खाने को है, ना पीने को है, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। तुम भूखी नहीं मरोगी, तुम नहीं ना तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा। कितनी मुश्किल से मैंने अपनी अना को कुचल कर उससे पैसे मांगे थे। मुझे क्या मालूम था कि वो पैसे भी उठाकर तुम अपने उस सगे को दे आओगे। शुक्र करो इज्जत बच गई। ऐसे लोग ना बहुत पत्थर दिल होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन अब करेंगे क्या? और पैसे कहां से आएंगे? उस जैद से मांगेंगे पैसे? हाँ? प्लीज, जैद से? वो कौन होता है हमें कुछ देने वाला? मांग ही ना लूं मैं। हेलो, मैं अरसल बात कर रहा हूं। हेलो, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूं, बोलो। बाबा, मैं घर वापस आना चाहता हूं। किस लिए? देखिए बाबा, ये मेरा घर है, मुझे आप वापस आने से रोक नहीं सकते। पता चल गया आटे दाल का भाव चंदी रोज में। कैसे बाप है आप, बस मुस्तकिल तंज करते रहते मेरे ऊपर। कैसे बेटे हो तुम, कभी सोचा इस बारे में? फिलहाल ये बातें आप रहने दीजिए, मैं ये फ्लैट छोड़ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ अपने घर। पता ही नहीं, मैं इस घर में आने की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अपने घर का सुकून बहुत अजीज है और मैं ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कि मेरी वजह से आपके घर का सुकून बर्बाद होता है? तुम शायद भूल रहे हो, तुम और तुम्हारी बीवी की वजह से इस घर में आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता था। और आप शायद भूल रहे हैं कि सबका रवैया और आपकी ज्यादतियां जो मेरे और दुनिया के साथ है वो अब भी ऐसे ही है। और तुम और तुम्हारी बीवी यहां पे आए तो तुम्हारे साथ फिर ज्यादतियां होगी, लिहाजा जहां हो ना वहीं रहो, कोई जरूरत नहीं आने की। लेकिन बाबा मैं,
मुझे और कोई बात नहीं करनी। जी आपने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया मैंने। ये घर उसका भी तो है। तो फिर आप उसे यहां क्यों नहीं आने दे रहे? तुमने शायद सुना नहीं, मुझे अपने घर का सुकून बहुत अजीज है। आप इस बात की फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी ना सब। मैं जोनिया का किचन अलग कर दूंगी। कुछ भी कर लो तुम, जिस दिन वो यहाँ पे आएंगे झगड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। आप मेरी बात तो सुने। बस मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूँ, अब और कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैं बस वालेकुम सलाम। मुझे देखकर तो ऐसे मुंह बना लेती है जैसे जैसे कोई खजाना चुरा लिया हो मैंने इसका। सही कह रही, चुराया तो है। क्या बात है, कौन था? सोनिया और अरसल आए, आप देख लीजिएगा उन लोगों को। इतना हैंडसम आदमी अब खजाना नहीं होगा तो और क्या होगा? आपकी बात का जवाब दे रहा हूं बस। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वैसे भी तुम तो थे ही मेरे। हाँ तो मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे देखकर हैरान नहीं हुई आप? ईशा ने बता दिया था। ओ, तभी चली गई यहां से। उसे छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? मेरे बाप का भी घर है, यहां आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? कैसी मां है आप, हमें बैठने तक को नहीं कहेंगी? अरसल बैठ जाओ। मैं नहीं दीदी, अब बैठो। तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हें बैठने के लिए इजाजत की जरूरत है? कहो क्या कहना है। मैं और अरसल यहां रहना चाहते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।